हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अमेरिकन स्लैशर हॉरर थ्रिलर मूवी हैचेट की एक्सप्लेनेशन। 2006 में रिलीज हुआ इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ग्रीन। दोस्तों, हैचेट के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हिडन फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो बिना किसी देर के चले शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सैमसन और उसके बेटा आंसली नाम का दो एलिगेटर हंटर को देखते हैं, जो एलिगेटर्स को पकड़ने की नदी में जाल बिछा के बैठे होते हैं। यहाँ पे हम आंसले को पेशाब करने के लिए जाते हुए देखते हैं, और वो जब झाड़ी के साइड में पेशाब करके लौटता है, वो देखता है कि उसके फादर सैमसन को किसी ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया है। उसे ये देख के बहुत ही शॉकिंग फील होता है, और हम देखते हैं कि तभी वो कुछ सोचने समझने से पहले ही किसी अनजाने आके उसके पीछे से उसे पकड़ के बड़े बेरहमी से उसे भी मार डालता है। यहाँ पे मूवी की सीन शिफ्ट होता है। बेन और मार्कोस को हम देखते हैं एंड्रयू नाम का एक गाइड के साथ मिलके एक बहुत ही हॉन्टेड स्वैम्प टूर पे जाने के लिए निकलते हैं। उस टूर पे और भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, जैसे कि जिम और उसकी पत्नी सैनोन, जीना और मिस्टी नाम की दो एडल्ट मूवी स्टार, उनके डायरेक्टर डॉग साथियों के साथ एक मूवी शूटिंग करने के लिए उस जंगल के अंदर जा रहे थे। गाइड एंड्रयू टूर बॉस को लेके नदी के किनारे पे रोक है, जहाँ पे सारे लोग बॉस से उतर के एक बोट के थ्रू नदी के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैक क्रैकर नाम का एक लोकल आदमी बहुत ही चिल्ला चिल्लाकर उस नदी के अंदर ना जाने के लिए सतर्क करता है। लेकिन ये सारे लोगों ने जैक की बातों को दरकिनार करते हुए बोट पे उस नदी के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। ये एक हॉन्टेड टूर होने की वजह से गाइड एंड्रयू सारे लोगों को इस जंगल के बारे में एक हंटर स्टोरी सुनाता है। विक्टर क्राउली कैसे बहुत ही बदसूरत था, और उसका खुद का फादर नहीं उसे कैसे एक हैचेट के थ्रू मार डाला था, ये सारी बातें। पर उस टूर पे मैरीबेथ नाम का एक लड़की एंड्रयू का सुनाया हुआ कहानी को इग्नोर करते हुए फेक बोलता है, और वो लोगों ने आगे बढ़ने लगते हैं। नदी की गहराई बहुत ही कम होने की वजह से उनके बोट एक बहुत ही बड़ा पत्थर पे टकरा के वहाँ पे रुक जाता है, और तभी वहाँ पे मूसलाधार बारिश होने लगता है। बोट के अंदर पानी भरने की वजह से वो बोट वहीं पे धीरे धीरे करके डूबने लगता है। फिर जिम परमाटेव नाम का वो मोटा सा आदमी वहाँ पे गिरा हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ के किनारे पे पहुँचने की कोशिश में गिर जाता है, और एक एलिगेटर उसके पेड़ को दबोच लेता है। तभी मैरीबेथ अपनी गन निकाल के उस एलिगेटर को शूट करके जिम की जान बचा लेता है, और सारे के सारे लोग जैसे तैसे करके उस पेड़ के थ्रू किनारे पे पहुंच जाते हैं। सारे लोग इस मुसीबत में फंसने के बाद गाइड एंड्रयू को सारा का सारा दोस्त देने लगते हैं, और यहाँ पे एंड्रयू नाम की गाइड का सबके सामने ही पूरा असलियत खुल जाता है। वो बताता है कि मेरा तो ये सेकंड टूर था, कुछ पैसे के लिए मेरा ब्रदर मुझे यहाँ पे जबरदस्ती भेजा है। और बात को घुमाने के लिए वो मैरीबेथ को तुम्हारे पास गॉन कहाँ से आया ये पूछता है, और मैरीबेथ बोलता है कि उसका फादर सैमसन और उसकी ब्रदर एंसले दो रात पहले यहाँ पे एलिगेटर पकड़ने के लिए आए थे, जो कि अब तक लौटे नहीं है, और वो उन लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पे हिम्मत करके आई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैरीबेथ ही एक लोकल था जो कि इस जंगल के बारे में पूरा सच्चाई जानती थी, और वो विक्टर क्राउली वाला स्टोरी को सबके सामने एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि विक्टर क्राउली बहुत ही बदसूरत होने के बावजूद भी उसके फादर उसे बहुत लाड प्यार से पालता था, और बाहरी दुनिया के लोगों की नजरों से और उनकी तानों से बचा के वो इस जंगल पे लाके एक छोटा सा घर बना के उसके साथ अकेला रहने लगा था। लेकिन वहाँ पे सारे बच्चे विक्टर क्राउली को बहुत ही चिढ़ाते थे, और उसके साथ बहुत ही गंदे गंदे मजाक करते थे, क्योंकि उसका फेस बहुत ही बदसूरत था। एक दिन विक्टर क्राउली को उसके फादर घर पे बंद करके खाने पीने की सामान जुगाड़ के लिए मार्केट चले गए थे, और तभी वो सारे नटखट बच्चे आके विक्टर को घर के अंदर कैद होते हुए देख के उसे बहुत चिढ़ाते हुए पटाखों पे आग लगा के घर के दरवाजों पे फेंकते हैं। उससे पूरा का पूरा घर पे आग लग जाता है, और तभी विक्टर का फादर मार्केट से लौट के वहाँ पे पहुँच जाता है। उसे देख के सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, और वो जब उसका बेटा विक्टर को बचाने के लिए एक हैचेट के जरिए घर की खिड़की और दरवाजे पे हमला करने लगता है, तभी अनजाने में ही उसके बेटे के ऊपर हैचेट लगने की वजह से उसका वहीं पे मौत हो जाता है। और कुछ साल उसकी लाला बेटा विक्टर की यादों के सहारे जीने के बाद उसका भी वहीं पे मौत हो जाता है। और हम देखते हैं कि मैरीबेथ से ये कहानी सुन के किसी को बिलीव नहीं होता है, और कुछ लोग वहीं पे बोलते हैं कि विक्टर क्राउली का घर तो पीछे छूट गया है। लेकिन मैरीबेथ उन लोगों को बोलती है कि हमारे सामने वाला यही घर विक्टर क्राउली का है। जिम का हालत बहुत ही खराब होने के कारण उसका बीवी सैनन उसे लेके उस घर के पास जाने के लिए डिसाइड करती है, और वो दोनों जब उस घर के नजदीक पहुंचते हैं तभी उनके सामने विक्टर क्राउली एक हैचेट लेके पहुंच जाता है, और वो पहले जिम और उसके बाद सैनन को बहुत ही वियर्ड तरीके से उन दोनों का गर्दन उखाड़ के वहीं पे उन दोनों की जान ले लेता है, और सारे लोग वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। पर मैरीबेथ खुद को बचाने के लिए विक्टर की चेस्ट पे गोली मार के वो भी वहां से भागने में सफल रहती है। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर डॉग को दिखाया जाता है, जो कि अकेला ही खुद को बचाने के लिए छुप छुप के वहाँ से निकलते हुए अनजाने में ही जाके विक्टर क्राउली से टकरा जाता है, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था। फिर विक्टर डॉग का गर्दन मरोड़ के उसको वहीं पे एकदम से खत्म कर देता है। फिर सारे लोग भागते हुए जाके घूम फिर के फिर से वही घर के पास पहुँच जाते हैं,
बेन और मैरीबेथ दोनों मिलकर उस घर के अंदर जाके देखते हैं तो मैरीबेथ को उसकी फादर सैमसन और उसकी ब्रदर एंसले की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें देख के वो वहीं पे फूट फूट के रोने लगती है और बेन उसे सपोर्ट देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम एंड्रयू मार्कस और दोनों मॉडल्स को देखते हैं जो कि झाड़ी के साइड में डर के मारे कुछ देख रहे होते हैं। सडनली उनके पीछे से विक्टर क्राउली आके जीना को पकड़ लेता है, एक वेल्डर मशीन के द्वारा उसकी मुंह पे हमला कर देता है। तभी बेन और मैरीबेथ वहीं पे पहुंच जाते हैं और ये सिचुएशन देख के मैरीबेथ का खून खोल उठता है और वो गुस्से में आके विक्टर क्राउली के ऊपर हमला करके उसको जमीन पे गिरा देता है। और ये मौके का फायदा उठा के एंड्रयू वहां पे पड़ा हुआ एक औजार के द्वारा विक्टर क्राउली के ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एंड्रयू को भी विक्टर क्राउली के हाथों अपना जान गंवाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे अपनी जान के लिए तड़पती हुई जीना को विक्टर क्राउली उठा के एक सूली पे गाड़ देता है। दोस्तों ये सीन आपको बहुत ही डिस्टर्बिंग लग सकता है। फिर बचे हुए चार लोगों को बिल्कुल पता चल चुका था कि अब ये लोग यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हैं, इसीलिए ये लोगों ने खुद को डिफेंड करना छोड़ के विक्टर क्राउली को मारने के प्लान बनाते हैं। इस चक्कर में मॉडल मिस्टी को अपनी जान कुर्बान करना पड़ता है। फिर बचे हुए तीन लोग खुद की जान बचाते हुए भागते भागते एक शमशान के पास पहुंचते हैं जहां पे मार्कस विक्टर क्राउली के द्वारा पकड़ा जाता है और विक्टर क्राउली उसका हाथ पैर उखाड़ के बहुत ही बेरहमी से उसका जान ले लेता है। फिर बचे हुए बेन और मैरीबेथ को उस नदी के किनारे पे एक बोट दिख जाता है जो कि मैरीबेथ की फादर सैमसन का था। फिर जब बेन और मैरीबेथ उस बोट के जरिए भागने की कोशिश करते हैं तब विक्टर क्राउली पानी से निकल के मैरीबेथ को पानी के अंदर खींच लेता है। पानी के अंदर दोनों के दरमियान थोड़ा सा मुठभेड़ होने के बाद मैरीबेथ को बेन का हाथ दिखाई देती है। उसे पकड़ के जब वो बोट के ऊपर उठने की कोशिश करती है तब मैरीबेथ को पता चलती है कि बेन बोट के ऊपर जख्मी पड़ा हुआ था और विक्टर क्राउली बेन के हाथ को उखाड़ के मैरीबेथ को गुमराह करके उसे ऊपर खींच लिया। आखिरकार मैरीबेथ की चिकने चिल्लाने की आहट के साथ ये अमेरिकन स्लैशर हॉरर मूवी हैचेट का अंत हो जाता है और आप आसानी से गेस कर सकते हैं आखिरकार बेन और मैरीबेथ का अंजाम क्या हुआ होगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हैचेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स। दोस्तों क्या आपको पता है ये मूवी हैचेट पे विक्टर क्राउली के यंगर कैरेक्टर का रोल प्ले किए थे रेली वैंडरबिल्ट। पहले इस कैरेक्टर के लिए किसी और को चूज किया गया था और रेली वैंडरबिल्ट वहाँ पे स्पॉट गर्ल के रूप में काम कर रहे थे। बाद में इनको एक कैरेक्टर ऑफर किया गया था जो कि इनकी एक्टिंग करियर का सबसे पहला मूवी था। दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।